मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लेसन प्लानिंग में कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो लेसन प्लानिंग जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ये इंश्योर करता है कि टीचिंग जो है लेसन प्लानिंग के थ्रू ये इफेक्टिव हो रही है और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है यानी लेसन प्लानिंग के थ्रू एक टीचर्स क्लियरली ये जान जाता है कि जो भी वो लेसन प्लानिंग बना रहा है स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होगा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग के अंदर जस्ट फर्स्ट है वो क्या है आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए जब वो लेसन प्लान बना रहा है या बना रही हैं तो उन्हें सबसे पहले क्लियरली ये डिफाइन करना है कि स्टूडेंट्स को क्या जानने की ज़रूरत है और वो किस काबिल है मतलब क्या करने के काबिल हैं जब वो लेसन प्लान एंड हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लेसन है लेसन प्लान बनाया तो टीचर को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है सामने रखनी होती है कि स्टूडेंट्स की कौन सी चीज़ें वीक हैं ये करवानी चाहिए और स्टूडेंट्स जो है इसको लेसन एंड होने के बाद स्टूडेंट्स काबिल होगा कि वो इसके ऊपर डिबेट कर सकता है ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या होने चाहिए मेयर एबल हों और स्पेसिफ़िक हों नो योर लर्नर्स टीचर को चाहिए कि वो अपने लर्नर्स को जाने यानी स्टूडेंट्स के प्रियर नॉलेज के बारे में टीचर को हावना होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास कौन से स्किल्स हैं इसकी हावना हो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट क्या है लर्निंग नीड्स क्या हैं ये सब का पता हो टीचर्स को दिस हेल्प इन टेलरिंग द लेसन टू सूट देयर लेवल एंड एबिलिटीज इससे जो लेसन होगा वो क्या होगा सूटेबल होगा और स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स भी होंगे फवाय फायदे भी होंगे उनके एडवांटेज भी वो हासिल कर सकते हैं थ्रू आउट द लेसन प्लानिंग चूज़ द कंटेंट एंड मटीरियल्स सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए रेलिवेंट कंटेंट को चूज़ करना चाहिए रेलिवेंट रिसो को गुड रिसोस को चूज़ करना चाहिए टैक्सट बुक को यूज़ करें मटीरियल जो हो जो मटीरियल वो ले रहे हैं वो टेक्सट बुक से लें और गुड मटीरियल होना चाहिए रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए और ये इनकॉर्परेट करें कि कोई भी अडिशनल टूल जैसे कि वीडियोज़ आर्टिकल कोई हैंड्स ऑन मटीरियल्स हैं उन सब का जो है वो टीचर यूज़ करें प्लान इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और टीचर को क्या करना चाहिए इंगेजिंग एक्टिविटीज़ डिजाइन करनी चाहिए जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करें और इस चीज़ के अंदर क्या आ जाते हैं जैसे कि हमारे पास लेक्चर्स हैं ग्रुप डिस्कशंस हैं एक्टिविटीज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज हैं इस तरह की जब इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज टीचर प्लान करता है तो ये सब स्टूडेंट्स इसे बहुत अच्छे से लर्न करता है और ये एक इफेक्टिव प्रोसेस है लर्निंग का डिटरमाइन असेसमेंट मैथड्स टीचर को यह डिसाइड करना कि हाउ यू विल असेस स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स को असेस कैसे कर सकते हैं अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेसन एक स्टूडेंट कैसे लेसन को पिक करेगा तो ये सब किसने देखना है टीचर ने देखना होता है असेसमेंट जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है जैसे कि फॉर्मल असेसमेंट में क्या है? तो तो क्विज आ जाता है क्विज़ आ गए टेस्ट आ गए ये फॉर्मल हो गया इनफॉर्मल के टीचर ने सिंपली डिस्कशन कर दी क्लास में ऑब्जर्वेशन को देख लिया गया तो ये सब जो है वो इनफॉर्मल में आ जाता है एक लेसन स्ट्रक्चर को क्रिएट करना यानी डिवाइड द लेसन इनटू स्टेजेस स्टेजेस के अंदर लेसन को डिवाइड करना चाहिए स्टूडेंट टीचर को वो कैसे यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस लेसन ऑब्जेक्टिव्स कि जब तक टीचर जो है वो लेसन ऑब्जेक्टिव जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करेगा स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है या आज के दिन में हमने पढ़ना क्या है सो so, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है कि टीचर को क्या करना चाहिए स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए लेसन ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि हमने ये टॉपिक जो है वो कवर अप करने हैं मेन एक्टिविटीज जैसे कि टीच और प्रैक्टिस द न्यू कंटेंट जो न्यू कंटेंट्स है उसको टीच करना चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए फिर क्लाउजर जो भी की पॉइंट्स है उसको समराइज कर दिया जाए कर दिया जाए इसके बाद है इनकॉर्पोरेट डिफरेंशिएशन अब इसमें क्या किया जाता है कि वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी को प्लान करना है और स्पोर्ट टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स के लर्नर्स को क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ये चीज़ देखनी चाहिए जिसमें एडवांस स्टूडेंट्स या जिन्हें स्टूडेंट्स को जरूरत है यानी नहीं अब स्टूडेंट्स भी डिफरेंट माइंड लेवल के स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो टीचर्स को जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट को लेके नहीं चलना चाहिए उनके अकॉर्डिंग लेसन प्लान को नहीं बनाना चाहिए बल्कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उसको भी देखना चाहिए कि भी हमें किस तरीके से चीज़ें जो है वो अरेंज करनी चाहिए किस तरीके से कंटेंट को अरेंज करें तो वीक स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और जो स्ट्रांग स्टूडेंट्स हैं या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं प्लान फॉर टाइम मैनेजमेंट ट एक टीचर को प्लान करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम को मैनेज करना चाहिए हर पार्ट ऑफ लेसन के लिए टाइम एलोकेट होना चाहिए इंश्योर होना चाहिए कि इनफ़ टाइम है इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस और रिवाइज करने के लिए रिव्यू करने के लिए एक लेक्चर इतने टाइम का हो कि उसमें टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन भी दे सके टीचर प्रैक्टिस भी करवा सके और टीचर रिवाइज भी कर सके रिव्यू भी ले सके स्टूडेंट से प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस जो जो और टीचर को जस्ट स्टडी पे फोकस मतलब कि स्टडी में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं एजुकेशन में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं लेक्चर में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं इसको भी सामने रखना है लेसन प्लान के अंदर एंटीसिपेट प्रोटेशनल डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स में फेस प्लान स्ट्रेटर्जी टू एड्रेस इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेशन जो है वो प्र... एक्स्ट्रा जो हमारे पास मटेरियल uh, मटीरियल uh, जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट स्टूडेंट्स को लेसन के बाद रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये चीज़ uh, जो है वो टीचर को रिवाइज करनी चाहिए रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि हमने कौन सा काम कर लिया है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग और कौन सा बाकी रह गया है सो so, जो चीज़ें हमारी वीक होंगी टीचर की जो चीज़ वीक होंगी यानी ये लेसन प्लान अगर फॉर एक्जाम्पल एक बनाया वो सक्सेसफुल नहीं है उसमें चीज़ें कवर अप नहीं हो रही तो टीचर नेक्स्ट जो लेसन प्लान बनाए वो नेक्स्ट छे को सामने रख के बनाए के सब चीज़ कवर भी हो जाए स्टूडेंट को समझ में भी आ जाए बात और स्टूडेंट्स का जो है स्टूडेंट्स इन्हेंस भी हो और इंटेंशनली और एक्टिवली जो है वो टीचर का लेक्चर भी सुने सो डियर स्टूडेंट्स इन ड्यू टू इन स्टेप्स की वजह से थ्रू आउट इस दी स्टेप्स जो है एक लेसन प्लान जो है वो पावरफुल बनाता है परफेक्टफुल बना रहा होता है लेसन प्लान को वेल ऑर्गेनाइज होता है और स्टूडेंट्स के लिए अडेप्टबल भी होता है